दोस्तों, अगर आप भी स्पाइस मनी का यूज करते हो और स्पाइस मनी में एक नई सर्विस आ चुकी है जिसमें आप कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आप एक्सेस सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस ओपन कर सकते हो। सारे ऐसे लोग जो स्पाइस मनी एप्लीकेशन में उनको मोर सर्विसेज के ऑप्शन में बैंकिंग का जो अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, मेरे इसमें भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है जिससे आपको अकाउंट ओपनिंग का जीरो बैलेंस का ऑप्शन आ जाए? तो बेसिकली दोस्तों, आपको यहाँ पर दो तरीके होते हैं कॉन्टैक्ट करने के। आपने जिससे भी आईडी ली है, आपका एजेंट आईडी, आपने जिससे डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी ली है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका नंबर देखने के लिए आपको नीचे मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर दिखा रहा है उसका नेम और यहाँ पर कॉल फॉर हेल्प का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये कॉल रिसीव नहीं करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो एक सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लीड होता है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर नंबर दिखा रहा है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपकी जो एजेंट आईडी है SDL से स्टार्ट होने वाली वो आईडी आप उनको बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि हमारे इसमें जो है अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वहाँ से ये इनेबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और दूसरा तरीके की अगर बात करें तो बेसिकली दूसरा तरीका है कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेल्फ केयर में जाके व्हाट्सएप पर भी ये प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, या फिर आपको एक मेल आईडी नीचे दिखता है इस पर भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कॉलिंग फॉर्म एक जनरेट टोकन कर लेना है। ठीक है, स्टेप वन, इस पर क्लिक करके जनरेट टोकन के ऑप्शन पर, अब देखिए ये नंबर आपको दिखा रहा है, नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉल हेल्पलाइन का ऑप्शन, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपको सिंपली कॉल कर देना है। अब बेसिकली आप कस्टमर केयर से बात करके कस्टमर को बता सकते हो अपने एजेंट आईडी, जिससे कि वो सर्विस जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको इनेबल कर दे। तो यही इस प्रोसेस था इस वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।